अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम मैं खड़ा हूँ दरियाए सतलुज के पास और रेलवे ट्रैक के नीचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबको पता है इंडिया जब भी पानी की अब भी दहशतगर्दी करता है ना तो यकीनन सारा पाकिस्तान मुतासिर होता है। लेकिन ये खुशाइन बात है बहावलपुर की आवाम के लिए कि इस दफ़ा जो दरियाए सतलुज में जो पानी आया बहावलपुर की आवाम तो खुश हो गई। कम अज़ कम इन्होंने फूल की पत्तियाँ निछावर करके पानी को वेलकम किया, तो बहुत सारे लोग देखने आए हैं पानी को। मैं भी दरियाए सतलुज का नज़ारा करने के लिए आया हूँ। कुछ दोस्त आए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं, इन्होंने क्या देखा और क्या इन्हें क्या महसूस हुआ। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे भैया? ठीक, अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकमल। किधर से हैं आप? अड्डा लाड मुल्तान से। अच्छा अच्छा, तो ये सिर्फ पानी देखने के लिए हैं? ये पानी देखने ही है। क्या महसूस कर रहा है? क्योंकि बड़े अरसे बाद मैंने तो ये दूसरी या तीसरी दफ़ा पानी देखा होगा और इतना पानी तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। तो हमें तकरीबन 3 साल हो गए हैं, डेली हर दफ़ा आते हैं लेकिन पहली दफ़ा इतना पानी देख रहे हैं। अच्छा, खुश आए हैं और बहुत खुशी हुई है पानी देखकर, और बहुत खुशी ये हुई है कि इधर बहावलपुर की आवाम को फ़ायदा होगा इससे। अगर नुकसान ना हो तो फिर तो खुशी की बात है, अगर नुकसान होगा तो फिर नुकसान ही है। अच्छा, मैंने सुना है जो फसलें जो दरिया की ज़मीन में जो फसलें काश्त की गई थी, जैसे तरबूज बहुत सारा काश्त किया गया था, वो ज़ाया हो चुका है। देखें वो तो फैक्ट है ना, उसका तो हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा देखें पॉजिटिव रिज़ल्ट जो हैं वो क्या क्या पड़ेंगे हमारी फसलों पर? पॉजिटिव असर ये बनेंगे कि बहावलपुर की आवाम को पानी मिलेगा, नहरी पानी जो इधर नहीं था बिल्कुल, ट्यूबवेल वगैरह लगा के इन्होंने पानी से गुजारा किया हुआ था, अभी इस दरिया से उनको नहरी पानी भी मिलेगा और उनकी फसलें अच्छी नशोनुमा पाएंगी। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखा है मछली के स्टॉल भी लग चुके हैं, वो दोस्तों आपको बाद में विज़िट करवाएंगे। यानी कि टेम्परेरी तौर पर ना लोगों का रोज़गार चल गया। रोज़गार चल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि मैं भी इधर ज़ाहिर है दरियाए सतलुज का नज़ारा करने के लिए आया हूँ, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि भाई ने आपको बताया कि ट्यूबवेल चला के लोग अपना गुजारा करते थे, लेकिन मैं आपको एक स्पेशल बात बताता था। चलो मेरा भी ज़ाहिर है गाँव में रहता हूँ मैं, ज़मींदार से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है मेरा। यहाँ पे जो ज़ेर ज़मीन पानी है ना वो भी इतना बेहतर नहीं है कि वो डायरेक्ट फसलों पर लगाया जा सके। अच्छा, उसका हल हमारे लोकल ज़मींदार ने क्या निकाला कि नहरी पानी के साथ ये ट्यूबवेल का पानी मिक्स करके लगा दे ताकि किसी हद तक ना ये फायदा हो सके। ये जी मछली के स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे कैंटीन्स वगैरह भी बन चुकी हैं। अच्छा जी, ये देखें लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत रिस्की काम है। मेरा ख्याल है इस बंदे को नहीं चाहिए था कि अपने बच्चों को लेकर दरिया में उतरता। हाँ ये किनारे के पास है, फिर भी एहतियात करनी चाहिए।